देखने वाली हूँ ऑन द वीडियो फनी इंडियन वेडिंग 2021 एडिशन फनी जयमाला वरमाला वीडियो बाय सम्राट की पाठशाला। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो वन, आई एम डैनी नायक, वेलकम टू माय चैनल देखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो क्या हाल है? तो फाइनली फिर से एक बार शादियों का सीजन आ गया, और शादियों का सीजन आ जाए और हमारे वीडियो ना आए, ऐसा हो सकता है कभी? सही पकड़े हैं, मतलब इतिहास गवाह है भाई साहब, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब सर्दियों में सख्त से सख्त लौंडा भी ये बोल देता है अब करवा दो मेरी शादी। अबे मैं अपने घर वालों से बोलता हूँ कि भैया सर्दियां पड़ रही है तो मुझे रजाई दिला देते हैं यार वो लोग। अबे 3 रजाई ओढ़ के सो रहा हूँ यार मैं, इशारा नहीं समझ रहे यार वो लोग। और आजकल तो जैसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है। अबे गर्मियों में ही कर लेते, exactly. पूरा देश का अभी सर्दियों में शादी कर लेगा। अभी अभी कैटरीना और विक्की कौशल ने शादी कर ली, अब दो ही जने रणुआ रह गए भाई साहब, एक सलमान भाई और एक मैं। नहीं मैं भी कर लूंगा, ऐसी बात नहीं है, सलमान भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझको। अबे सुना है 80 करोड़ में अपने शादी के राइट बेचे यार उन लोगों ने, सही है यार। पर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि सुहागरात के राइट अपने कुंद्रा भाई लेने के मूड में है। हमें क्या करो शादियाँ, घने चुल्ल तुम्हें, ज्वालामुखी फूट रही है तुम्हारी। पहले शादियाँ बड़ी शालीनता से हुआ करती थी, शादी के तौर तरीके भी काफी अलग हुआ करते थे, परंतु अब समय बदल चुका है। क्योंकि अब शादियों में हंगामा ना हो तो शादी शादी नहीं लगती है, और बात जब हंगामा की हो ही रही है तो फिर देखो हंगामा। भाई साहब, भाई की मेहनत देख के मेरे को ये कहने का मन कर रहा था, उठा ले रे बाबा उठा ले। बता छोरी न उठ रही इन पे और रात को ये घूंघट उठाएंगे। वैसे मैं घूंघट के जगह कुछ और बोलना चाह रहा था, परंतु अब मैं संस्कारी हो चुका हूँ, पता नहीं क्या होगा इनका, क्या हो रहा है। शादियों में अब सब कुछ बदल चुका है भाई साहब, शादियों में अब बकचोदी स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है। अब जैसे कि ये घुड़चड़ी का सीन, अब आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। किसी का दिल आया हो चाहे ना आया हो, घोड़ी का दूल्हे पे दिल आ गया भाई साहब, अब लेके भग गई। तो सच में लेके भग गई। क्या धीरे धीरे समय बदला और समय के साथ साथ फैशन भी बदल गया। पहले दुल्हन का लिबास कुछ इस प्रकार का हुआ करता था, दांता न मत फाड़े गुटका भार आ जाएगा, परंतु अब दुल्हन के लिबास भी बदल गए। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं क्या करूं इसका क्या करूं। अबे मजाक कर रहा हूँ, वही पूरे कपड़े पहनेगी वो। चूतिया बनाया तुमको, गजब तू बीवाज आदमी। भाई साहब सच बता रहा हूँ, शादी ब्याह में सबसे ज्यादा खतरा अगर मुझे किसी चीज से लगता है तो वो लगता है दुल्हन के मेकअप से। भैंस की आंख नोकिया को आईफोन बनाने की ताकत रखते हैं भाई साहब ये लोग। देख रहे हो ना, और इस लड़की का कंसर्न एकदम ठीक है भाई साहब। ऐसा ना हो कल मुंह धो और पहचाने ही ना, मैं तो किसी और को लेके आया था। अबे जब इतना मेकअप पोत दोगे तो जब सुबह लड़की मुंह धोएगी तो आदमी की तो आत्मा फेफड़ों से बाहर आ जाएगी। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार शादी में मुंह दिखाई की रस्म होती है, उसी प्रकार शादी से पहले एक मुंह धुलाई की भी रस्म होनी चाहिए। अबे बहुतों की जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि हम लौंडों के साथ हमेशा से गलत हो रहा है और होता आ रहा है। सब लोग चाहते हैं कि भाई साहब उसको ऐसी बीवी मिले जिसको वो मुस्कुराता हुआ देखकर अपनी सारी टेंशन भूल जाए, लाइक कुछ ऐसी। पर लोगों को मिल कैसे बीवी रही है? अब ये बीवी है, इससे बेटर तो आदमी अपनी नसबंदी करा के साला तीर्थ यात्रा पे निकल जाए। इस साले दुनिया भर की सारी सुंदर लड़कियां थे सरकारी नौकरी वाले लौंडे ले जा रहे हैं। भाई साहब दुश्मन लगते हैं मुझको सरकारी नौकरी वाले लौंडे। हम प्राइवेट वालों में क्या कमी है, अच्छा खासा तो कमा रहे हैं, लेकिन साला लौंडा सबको सरकारी चाहिए। न्याय करो, तुम न्याय करो, सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं है। तो अब हम बात कर, अबे तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं शूट कर रहा हूँ, एक हेल्प कर दे। हेल्प कैसी है? भाई यार मुझे एक लड़की पसंद है और वो डेली है ना मेरे सामने से हंसते हुए निकल जाती है, भाई कोई सॉल्यूशन बता ना। अबे अब तेरी शक्ल देख के हंसने लगी गधे। आई लव यू जानू रे।
मैं सही बता रहा हूँ, नसबंदी करा लो भाई साहब, कुछ नहीं रखा इस जीवन में, सब मोह माया। क्योंकि अगर आप शादी में बैठे भी हो तो आप सेफ नहीं हो भाई साहब, क्योंकि आजकल भरोसे वाले ही झोपड़ी वाले निकल रहे हैं भाई साहब। बताओ, बगल में बैठा बैठा दूल्हे की माला से पैसे गायब कर रहा। अबे क्या करिएगा इतनी धनराशि का, FD बनवाइएगा। गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत हो रहा है इस देश। और सबसे ज्यादा गलत सीन पता है कहाँ होता है? स्टेज पे। मतलब यूँ समझ लो कि दुनिया जहाँ के सारे कांड बरमाला के टाइम पे ही होते हैं। अबे अभी तो वो माला डाल रही है, कल को उसका मूड बदल गया तो ठंड के नाम पे घर वाले रजाई पकड़ा देंगे मेरी तरह। फिर मेरे तरह तीन तीन रजाई में सोइयो सारे। बताओ गिर गया ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता? अब जनाब इनको देखो। बताओ माला फेंक दी, मुर्दों का राष्ट्र है कि नहीं है? यहाँ भाई माला फेंक रहा है, वहाँ ये वाला भाई दूसरे जोन में चला गया। बताओ इससे सख्त लौंडा आपको कहीं मिलेगा? और अगर इसके बगल में इसकी सास खड़ी होती तो ये तो अपने ससुर का बुढ़ापा खराब कर गया होता। सही पकड़े हैं। और इसकी इन्हीं हरकतों को देख के ना मेरे को ये वाला डायलॉग मारने का मन कर रहा है। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? और जहाँ तक बात रही बरातियों की तो वो तो अलग ही खेल रहे हैं भाई साहब। चाहे आप बात कर लो स्टेज की। मतलब एटीट्यूड देख रहे हो भाई साहब लौंडे का? मतलब ये जो लौंडा हरकतें कर गया है ना भाई साहब, इसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करा दिया भाई साहब, पूरे एक्शन में लौंडा। और हकीकत तो देखा जाए तो स्टेज पे तो ये कुछ भी नहीं किया इसने, कान तो इससे बड़े बड़े हुए हैं भाई साहब स्टेज पे। अबे लड़की पटा रहे हैं यार लोग स्टेज पे। टैलेंट है भाई, टैलेंट है लौंडे का। अब जो ये नहीं कर पा रहा है वो एक कोना पकड़ के बुराइयां करते हैं। अरे जचनी रे दूल्हा दुल्हन साथ में, दूल्हे को देखो कैसे खड़ा, सुगला सनाक के बाल दिख रहे लपटंगे। अरे सब सरकारी नौकरी का कमाल है यार, बता रहा हूँ। अरे भाई साहब आज अगर हम क्लर्क लग गए होते हमारे साथ ना खड़ी होती, ज्यादा सुंदर ना दिखती, बैठे डिजर्व करती है। अच्छा, और जिनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता है वो ऐसे कामों को करते फिरते हैं। ए कौन है? ए मेरा दोस्त है जी, शक्लों से चोर लगता है। इतनी सी क्यों, थोड़ी और भर लेता, पिछवाड़े में भी तो जगह खाली है, मिठाई चुरा रहे हैं बुजुर्गों की। वैसे देखा जाए तो आजकल ना डांस का बहुत क्रेज चल रहा है भाई साहब, कि दूल्हे को डांस पर ही एंट्री लेनी है। अब जिन पे डांस आता है उनके लिए तो ठीक ही है, घर आया, मैं आया तुझको लेने। और जिन पे डांस अगर नहीं आता हो वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? अबे ये कौन सा डांस है बे? बताओ इतनी लचीली मुंडी, मैं बता रहा हूँ ये साला मुंडी असेंबल करा के आया भाई साहब। लेकिन मैं आपको ही बता दूं, आप पे डांस नहीं आता ठीक है, समझ में आता है, लेकिन एक ऐसा दोस्त बनाना जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं। शादी हो गई, अब वक्त आता है विदाई का। तो अब विदाई वैसे नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी, पहले लड़कियों की विदाई ऐसे हुआ करती थी। अरे चली जा, इतने साल हमारे खून पिए, अब जाके अपने पति के खून पी। फिर समय बदला और लड़की की विदाई ऐसे होने लगी। समय फिर बदला और अब लड़कियों की विदाई कुछ इस प्रकार से होती है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਗ ਕਰੋ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਕੀ ਵਿਦਾਈ ਆਪ ਐਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਪਕੜੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਸਭ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ, लेकिन इसके आगे की है ना कभी कोई स्टोरी नहीं बताता, उसके आगे की स्टोरी तो मैं तुम्हारा भाई बताएगा। देख रहे हो कितनी चिंता करता हूँ मैं तुम्हारी, प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से। तो सुनो, शुरू शुरू में ना सब कुछ अच्छा लगेगा, उसका हंसना, उसका रोना, उसकी हरकतें, सब कुछ। अब चाहे तुम्हारी बीवी का नाम खुशबू ही क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे मुंह पे पाद भी देगी ना भाई साहब, तो तुम ये नहीं कहोगे कि हर्जा पर एक है, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम बोलोगे वाह डार्लिंग क्या पादा है। क्या बकेती है, मुद्दे पे आओ। अबे स्टार्टिंग में तो लोग एक पल की जुदाई, जुदाई है ना, हाँ सही तो बोला है, एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं। लड़की जिस प्रकार से डर रही है ना, उसे पता है इस हरामी का रोज का है, अबे बाथरूम में ले गया। लेकिन कुछ समय बाद वही हस्बैंड कुछ ऐसी हरकतें करते दिखाई देंगे।
Maddie might want to turn that water off. बात क्यों रहा साले, मुंह पे हक दे लड़कियों। तुमको मैं बता दूं, तुम्हें लगता होगा लड़के बड़े हरामी होते हैं, ठरकी होते हैं, उन्हें तो बस एक ही चीज चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी इमेज खराब करी जा रही है भाई साहब। हमें ऐसी बीबी चाहिए, हमें रोज डेली दे, जब हमारा मन पड़े तब दे। अबे ये क्या लगा दिया, असली वाली क्लिप लगाओ बे। हमें ऐसी बीबी चाहिए जो हमारा और हमारे परिवार का ख्याल रखे, समझ रहे हो। चुड़ैल नहीं चाहिए होती हम लोंडो को। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस क्लिप को देख लो। तो मेरी मम्मी हो गया। हाय हाय, इतना सुकून। ऐसी हरकतें करती लड़कियां प्यारी भी लगती हैं, लेकिन लोगों को मिल क्या रहा है। अबे कैसे झेल रहा है भाई ये इसको, क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो सकता भाई साहब हम लोगों का। अगर तुमको ये सब चीजें देखने के बाद भी शादी करनी है ना, तो कर लो। बाकी शादी है ना बहुत ही खूबसूरत बंधन होता है जो जिंदगी के आखिरी दौर तक चलता है, और जो शादियां जिंदगी के आखिरी दौर तक टिक जाती है उसकी खूबसूरती ही अलग है साहब। बाकी क्या हो गया सम्राट को एंडिंग ऐसी किया। अगर हमारी पाठशाला में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार प्लीज। फेफड़ों में जान अब भी बच रही हो तो फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, अपने को भी जल्दी से जल्दी 1 मिलियन कर ले वहाँ पे, मुझे स्टार्ट करना है हमें भी भाई साहब। बाकी अगर आप ट्रस्टवर्दी और मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो ऐप पर जरूर ट्राई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। क्या हो गया था सम्राट शुक्ला को, आज एंडिंग में इतनी प्यारी प्यारी वीडियो दिखा गया जो शादी कितनी खूबसूरत होती है वगैरह वगैरह। ओके तो वो जो जेबों में खाना भर के लेके जाना, अब यार जेब में लिटरली, और फिर वो वरमाला से ही पैसे निकलवा के लेना, माँ कसम क्या क्या हो रहा है क्या क्या। और फिर वो वाला गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मतलब आजकल कोई रोता है नहीं क्या, शायद पर रोते हैं अभी भी, बट ये जो भी था ये बहुत खतरनाक था, मतलब एकदम अलग ही टाइप का कुछ दिखा। फनी जैसे वो दो क्लिप्स दिखाए थे को होते कि हमको लड़की, हम लोग को बदनाम किया जाता है, लड़कियां हमको ऐसी चाहिए जो ख्याल रखे हमारा या जो कुछ भी। तो फिर वो क्लिप दिखाया कि जहाँ पे कि तुम क्या मेरी मम्मी हो, तो बोलते मम्मी जैसी वैसे ऐसे ही था ना। ओके तो दैट वॉज वेरी क्यूट। फिर दूसरा वाला जो था ले लाते रहे ऐसे क्लिप्स। वरमाला में के टाइम पे जब इतना गुस्सा आता है कि वो वरमाला किसी और को पहनाने दे या फिर कुछ और ही कर दे, कुछ अलग ही कर दे, कुछ अजीब ही कर दे, मैं कुछ शॉक हो जाती हूँ, कैसे ये क्या चालू है, ये क्या कर रहे हैं करके, ठीक है खतरनाक तरीके से। बहुत सारे फनी मोमेंट होते हैं, जैसे कि वैसे तो वीडियो तो चालू ही रहता है ना, नॉर्मली कोई ना कोई खींचते रहता है जब शादी चालू होती है तब, तो कोई कुछ चीज का मीम ना बन जाए इस बात का डर लगता है अभी। तो ये मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो फनी इंडियन वेडिंग बाय सम्राट की पाठशाला। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी फरक नहीं आ।